बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल PMA का कूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा आने वाली वीडियो से बर वक्त आगाह हो सकें। प्यारे बच्चों, आज का हमारा उन्वान है हरूफ तहजी और आदि अशकाल, दरसी किताब का सफ़ा नंबर 2 ता 12। प्यारे बच्चों, अल्फाज और जुमले बनाने के लिए बुनियादी चीज़ों की पहचान ज़रूरी है। अल्फाज और जुमले बनाने के लिए हरूफ तहजी की पूरी और आदि अशकाल का आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसके बग़ैर हम अल्फाज और जुमले नहीं बना सकते। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि हरूफ तहजी की तादाद है 38। आए मिलकर हरूफ तहजी पढ़ते हैं। अलिफ अलिफ मद आबे पेते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जार रे अड़े जे ये सीन शीन स्वा ज्वा तो ए जोय आइन गाइन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाओ हे हमजा छोटी ए बड़ी ए हरूफ तहजी उर्दू के। प्यारे बच्चों, आपको हरूफ तहजी की आदि अशकाल नज़र आ रही हैं। इनमें आपको दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान और तोए जोए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि दाल का ख़ानदान और रे का ख़ानदान और तोए जोए की आदि और पूरी अशकाल एक जैसी होती हैं। कामयाबी का मियार हरूफ तहजी की दुरुस्त बुलंदखानी करना, खुशहत तहरीर करना। तहरीरी काम हरूफ तहजी की पूरी और आदि अशकाल की रोज़ाना इजाफी शीट पर खुशखती करनी है। अगला हमारा उन्वान है अल्फाज साजी, सफ़ा नंबर 13 ता 16। तदरीसी मकासद, तलबा हरूफ तहजी की पूरी और आदि अशकाल की मदद से अल्फाज बनाने के काबिल हो जाएंगे। अल्फाज खुशहत तहरीर करना। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फाज बनाने के लिए हरूफ तहजी की पूरी और आदि अशकाल इस्तेमाल होती हैं, आइए हम इनकी मदद से नए अल्फाज बनाते हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला लफ्ज़ हम बना रहे हैं वो है बाबा। बे अलिफ बे अलिफ बे अलिफ बा बे अलिफ बा बाबा। जीम अलिफ जा। दाल अलिफ फ्रे अलिफ दा रा। तोए वाओ तो। प्यारे बच्चों, हमारा अगला उन्वान है ये और वो। प्यारे बच्चों, नज़दीक की चीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। जो हमारे पास चीज़ पड़ी होती है उसके लिए हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मसलन, ये सेब है, ये पेंसिल है। जो चीज़ आपके पास पड़ी है उसके लिए आप ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। बच्चों, दूर की चीज़ों के लिए हम वो का इस्तेमाल करते हैं। मसलन, वो फूल है। जो चीज़ आपसे दूर होगी उसके लिए आप वो का इस्तेमाल करेंगे। वो फूल है, वो मेज़ है। प्यारे बच्चों, हमारा अगला उन्वान है और हैं। प्यारे बच्चों, वाहिद यानी एक चीज़ के लिए है का इस्तेमाल होता है। मसलन, ये गुब्बारा है। और जमा यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए हैं का इस्तेमाल होता है। मसलन, ये गुब्बारे हैं। देखा बच्चों, एक गुब्बारे के साथ है लगाया गया है और ज़्यादा गुब्बारों के साथ हैं का इस्तेमाल हुआ है। प्यारे बच्चों, अगला हमारा उन्वान है ज़बर। ज़बर की अलामत हमेशा हर्फ के ऊपर डाली जाती है और ज़बर वाले अल्फाज की आवाज़ को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, जैसे रस, सच,
चढ़, छत, रख। अगला हमारा है उनवान जेर। जेर जबर का उलट होता है, इसकी आवाज नीचे की तरफ होती है, जैसे इस, फिर, कोशिश, जिद, आखिर। पेश, पेश भी हर्फ के ऊपर डाली जाती है और उसकी आवाज मुंह गोल करके निकाली जाती है, जैसे उन, रुक, चुन, उठ, उस्ताद। तश्दीद, उर्दू में शद वाले अल्फाज को दोबारा लिखने की बजाय इस पर शद की अलामत डाल देते हैं, लेकिन जब उसके तोड़ लिखे जाएं तो शद वाले हरूफ को दो बार लिखा जाता है। मसलन अब्बा, जैसा आप देख रहे हैं कि जब अब्बा लिखा हुआ है तो उस बे के ऊपर शद है, तो जब हमने इसके तोड़ किए तो अलिफ बे बे अलिफ, यानी कि बे दो दफ़ा आ रहा है। अब्बा। पत्ता, ते के ऊपर शद का निशान है तो इसका मतलब है कि ते दो दफ़ा आ रहा है। बिल्ली, लाम के ऊपर शद का निशान है तो इसका मतलब है कि लाम दो दफ़ा आ रहा है। जब हम इसको तोड़ के लिखते हैं तो लव हरूफ को दो दफ़ा लिखा जाता है, लेकिन जब इसको हम जोड़ के लिखते हैं तो दो दफ़ा लिखने के बजाय इसके ऊपर शद डाल दी जाती है। अरे बच्चों, आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्यारे बच्चों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने हाथों को बार बार धोएं, घर में रहें, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो मास्क पहन कर जाएं, खांसते और छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखें। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हुए होंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया।